लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। कटनी में काम करने आए 21 मजदूर सिंगरौली से ट्रक में झारखंड अपने घर जा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी को क्वारंटाइन कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है जो काम के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं। काम न मिलने से मजदूर काफी परेशान हैं और सभी अपने घर वापस लौट रहे हैं। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में कटनी से काम कर झारखंड लौट रहे 21 मजदूरों को पुलिस ने रोककर क्वारंटाइन किया है। ये सभी मजदूर सीधी जिले के चुरहट से एक ट्रक में बैठकर जा रहे थे। पुलिस ने सभी मजदूरों को पहले खाना खिलाया और फिर पहनने के लिए मास्क दिए। सभी मजदूरों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं ट्रक जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत लगातार भ्रमण करने, पेट्रोलिंग पार्टियों का भ्रमण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सतत रूप से भ्रमण कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान थाना बरगवा अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ मजदूर एक ट्रक में बैठकर चोरी छिपे सिंगरौली बॉर्डर क्रॉस कर झारखंड की ओर जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बरगवा द्वारा कार्रवाई करते हुए अपने स्टाफ के माध्यम से उस ट्रक को रुकवाया गया। उस ट्रक में से लगभग 21 मजदूर मिले हैं जिन्हें क्वारंटाइन में रख लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।